नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान BSTC के रिजल्ट को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है वो निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, BSTC का रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। इसी के साथ कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार, क्योंकि इस बार फॉर्म कम भरे गए हैं, तो कट ऑफ क्या बाकी में कम जाएगी या फिर पिछली साल की तरह ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। टोटल आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं दोस्तों कितनी हैं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि डाइट आपको चाहिए तो कितने नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य रहता है, लड़कियों को कितनी छूट दी जाती है दोस्तों। इसी के साथ आपकी रिजल्ट डेट को लेकर बोर्ड की तरफ से दोस्तों आप सबके लिए गुड न्यूज़ है वो निकल के आ रही है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। फिर भी दोस्तों आपको कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट कर देना। रिजल्ट के कितने दिनों बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कट ऑफ की बात करने से पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे थे, तो यहाँ पर दोस्तों आप दे सकते हैं कुछ कंटेंट डिटेल यानी कि हेल्पलाइन नंबर संभाग के हिसाब से दे रखे हैं दोस्तों। इन पर आप कॉल करके खुद भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी समय से दोस्तों कॉन्टैक्ट किया उनको, तब जाकर उन्होंने जयपुर वाले जो हेल्पलाइन नंबर है उनको कॉल रिसीव किया। तो रिजल्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में यानी कि 8 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट है दोस्तों वो जारी हो जाएगा, किसी भी समय जारी हो सकता है, डेट अभी फिक्स नहीं है। हालांकि उन्होंने सप्ताह बताया मुझे कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आएगा। आपका जो पूरा सितंबर है दोस्तों OMR शीट चेकिंग करने में निकल जाएगा, इसके बाद दोस्तों रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही दोस्तों आपके दोस्तों काउंसलिंग की प्रक्रिया 7 से 8 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगी। 7 से 8 दिन के बाद आप काउंसलिंग है वो करा सकते हैं। काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, लेकिन आपका एक बैंक में अकाउंट होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास बैंक का अकाउंट नहीं है तो आप अभी रीओपन करवा लें, ओपन करवा लें दोस्तों, क्योंकि तो बाद में आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका दोस्तों प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। कट ऑफ की बात करूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे, तो कट ऑफ इस बार दोस्तों आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि जो सरकार का फैसला आया था कि रीट L1 में BEd वालों को शामिल किया जाएगा, तो इस वजह से BEd में फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं और BSTC में कम फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों। BEd में आपके 4 गुना ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, जबकि BEd में सीटों की संख्या 1.5 लाख है और BSTC में 24,000 ही सीटें रहती हैं दोस्तों। और फॉर्म जो है 4,77,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे, इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्जाम भी नहीं दिया है, एबसेंट भी रहे हैं। तो ऐसे में आप 4,70,000 फॉर्म मान सकते हैं दोस्तों। अगर इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों 24,000 से, तो 19 यहाँ पर यानी कि उन एक सीट पर 19 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, जो काफ़ी कम है दोस्तों। पिछली साल की अपेक्षा फॉर्म 2 लाख कम है, 1.95 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं, जो आप सबके लिए गुड न्यूज है दोस्तों। इस बार आपके पास अच्छा मौका है, लेकिन रिटेल में क्या BEd वालों को शामिल कर दिया गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ अभी पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जो NCT की गाइडलाइन थी दोस्तों उसके अनुसार BEd वालों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन NCT अब इससे दूर उठ रही है दोस्तों। और केंद्र सरकार का फैसला दोस्तों अब BEd वालों के पक्ष में ना आकर BSTC के पक्ष में आएगा, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि BEd वाले लेवल प्रथम के योग्य नहीं हैं। इसलिए दोस्तों आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि अगली साल अगर इस बार आपका नंबर नहीं आता है तो अगली साल दोस्तों जो है BSTC में ऑनलाइन फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ को लेकर हालांकि मैं काफ़ी सारी वीडियो डाल चुका हूँ, आप चैनल पर जाके एक बार वीडियो ज़रूर वॉच कर लेना। फिर भी अगर कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो जनरल और OBC में और EWS में, इन सब के लिए अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो 375+ स्कोर होना अनिवार्य रहेगा दोस्तों आपके लिए। और बात करूँ दोस्तों SC ST और MBC कैटेगरी में दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों MBC की कट ऑफ रहेगी 365+, ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है काफ़ी कम रहती है दोस्तों, ST कैटेगरी की 340 पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, SC कैटेगरी में 350+, क्योंकि इस पर फॉर्म कम है, सीटें भी बढ़ाई गई हैं, तो इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। जो मिनिमम कट ऑफ मैंने आपको बताई है इससे ऊपर भी आपकी कट ऑफ जा सकती है, और आपका रिजल्ट दोस्तों 8 अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना दोस्तों। डेली आपको इस चैनल पर दोस्तों अपडेट मिलती रहेगी BSTC को लेकर जो भी अपडेट आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।